मेरा नाम अशोक कुमार पांडे है, मैं बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार में रोहतास जिला है, रोहतास जिला में एक दिनारा प्रखंड है। मैं सामान्य रूप से एक किसान हूँ। मैंने काशी विद्यापीठ वाराणसी से एमए किया है और मैं आरजेडी से एमएलसी हूँ। मैंने काफ़ी संघर्ष किया है तब इस मुकाम पर मैं पहुंचा। मैं और मेरे पिताजी 1990 से आरजेडी लालू जी की पार्टी है, आदरणीय श्री लालू जी की पार्टी है और वहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी हमारे नेता हैं। उन्हीं लोगों ने मुझे टिकट दिया, उच्च सदन का सदस्य। मैंने कई झंडा ढोया है, मैंने कई अपने पार्टी के लिए संघर्ष किया है, धरना किया है, प्रदर्शन किया है, बीजेपी भगाओ नारा दिया है हम लोगों ने, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक किसान हूँ, सामान्य किसान हूँ, उन्होंने 2016 में अगस्त में बरेली में एक रैली में उन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय हम दुगनी करेंगे। भीड़ से वो बोले कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए कि नहीं, होनी चाहिए कि नहीं, भीड़ ने कहा होनी चाहिए, लेकिन आज हम ठगे गए और ठगते आ रहे हैं। जब उनका समर्थन मूल्य ही दुगना नहीं हुआ तो आय कैसे दुगनी होगी? जब हमको बाज़ार मूल्य ही नहीं मिलेगा तो हमारे किसान की आय कहाँ से दुगनी होगी? अब 24 में क्या किसानों को ठगते हैं ये समय बताएगा। ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें हम लोगों को आना चाहिए और इससे बहुत बड़ा सीख मिलता है। एक दूसरे से मीटिंग होगी, मिलेंगे हम, एक दूसरे से परिचय होगा, वहाँ के कल्चर, वहाँ के मिट्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और देश में हमको लगता है कि ये पहला हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो हम लोग भी सोचे कि जब देश में पहला हो रहा है तो हम लोग भी चलें, कुछ सीखें, कुछ देखें। काम तो हम लोगों का खेती है, बिजनेस तो है नहीं, खेती करते हैं, एक सामान्य किसान हैं और अपने पार्टी के संगठन के लिए मजबूती से काम करते हैं और किसानों के विकास के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। अभी हम अपने क्षेत्र में नहर के काम की, कृषि हर खेत की सिंचाई माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है, उस मिशन में हमको 2 करोड़ मिला है, अपने क्षेत्र में काम करवा रहे हैं, यही मिशन है।